हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ साइंसेस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में एमपी, यूपी और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होने वाली हैं, तो इस संबंध में हम कैसे तैयारी करें कि हम इजीली जो है इन भर्तियों में अपना स्थान सुरक्षित कर सकें। तो हम डिस्कशन करेंगे कि जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, परीक्षाओं के लिए हमारा सिलेबस क्या सिलेबस हो, किस सिलेबस को फॉलो करें, क्या रिकमेंडेड बुक्स हो और क्या सोर्सेज हो, उसके विषय में हम इस वीडियो में डिस्कशन करें। तो ये रहा सीएसआईआर नेट का सिलेबस। ये है सीएसआईआर नेट का सिलेबस है, जो कि एक स्टैंडर्ड और मॉडल सिलेबस है इस लेवल के सभी परीक्षाओं के लिए। जो भी पीजी या एवर लेवल पे परीक्षाएं होती हैं पूरे भारत में, वो इस सिलेबस को फॉलो करती हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसमें 13 जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, और इन 13 टॉपिक्स का ये आउटलाइन है। तो हमारे जो तैयारी का जो मेन या कोर पॉइंट जिसको कह सकते हैं, वो सीएसआईआर का ही सिलेबस होगा। हम इस सिलेबस को आगे जो है डिस्कस करेंगे और इसी के आधार पर हम तैयारी करेंगे। तो हमारा फोकस जो है सिलेबस के हिसाब से सीएसआईआर नेट का ही सिलेबस होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं किस तरीके का जो है क्वेश्चन पेपर तैयार करें, कैसे क्वेश्चंस तैयार करें, जिससे कि हम आने वाली परीक्षाओं में इजीली हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, उनका सही सही जवाब हम जो है दे सकें। तो इस संबंध में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हुई डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, चाहे यूपी हो या हरियाणा हो या राजस्थान हो या अन्य जो भी जो स्टेट्स हैं, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, स्टडी करेंगे और उनको परखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्वेश्चन का स्तर रहता है और कहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसके अलावा जो है एमएससी एंट्रेंस, जो कि किसी भी टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, वो उनका जो एंट्रेंस का पेपर होता है वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, उनके क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, तो उनको सॉल्व करना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी तरह डीबीटी जीआरएफ है या गेट एग्ज़ाम है, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है, इनके भी क्वेश्चंस को हम फॉलो करेंगे। साथ ही साथ हम जो नीट यूजी लेवल का एग्ज़ाम होता है, हालांकि 12th लेवल के स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन ये हमारे बेसिक्स को क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा इनका क्वेश्चन। इसी तरीके से हम पाथफाइंडर के जो क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करेंगे और उसको अपनी तैयारी का जो है आधार बनाएंगे, जिससे कि हम अच्छे से अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकें, हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हों और हमारा बेसिक्स जो है स्ट्रॉन्ग हों। अब हम बात करते हैं किताबों के विषय में। जो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं, जो पाथफाइंडर की किताबें होती हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड होती हैं और इनमें जो है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई हैं, कुछ यूनिट्स जो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और ये आपके बेसिक्स को क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इसके साथ साथ आप लेनिंगर की बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी, इसकी आप कार्प की अल्बर्ट्स की सेल बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी आप क्यूबी की देख सकते हैं, इसी क्रम में आपका जो है आप वाटसन का मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी है, सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जीन है वाटसन की, ये काफ़ी अच्छी किताब है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्नोस्टड की जीनेटिक्स काफ़ी अच्छी है और अन्य जो भी टॉपिक हैं जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की किताब है, मोर्फोलॉजी की सीसी चटर्जी है, सिक बर्गर की जीनेटिक्स है, कैम्बल की बायोलॉजी है, विल्सन वॉकर की प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये देख सकते हैं।